सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگو، ہم سب کا ایک مکمل چاہت ہے کہ دین بھی ہمارا اچھا ہو جائے اور دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے، कोई ऐसा नहीं होगा जो इसमें से मना करेगा। हम चाहते हैं कि जान के एतबार से भी हम अच्छे, माल के एतबार से भी अच्छे, आबरू के एतबार से भी अच्छे, घर और समाज और सोसाइटी में भी हमारा एक नाम होना चाहिए। मतलब आसान अल्फाज में यूँ कहो कि हम चाहते हैं कि दुनिया भी हमारे कदमों में और आखिरत भी हमारे कदमों में। उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये जो महीने हैं, हज का महीना, फिर कुर्बानी का महीना, इसमें एक नबी सबको याद आते हैं, और वो कौन से नबी आप सबको मालूम है, सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी देखें, हालात आए मगर दुनिया भी उनके कदमों में आई और आखिरत तो ऐसी कदमों में आई कि मेराज में जो सबसे ऊंचे नबी के दर्जे पर थे तो वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। वहाँ से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की, क्योंकि हमारे नबी तो सारे नबियों के नबी है, लेकिन हमारे नबी के बाद जो मकाम और मर्तबा मिला था वहाँ मेराज पर, वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था। मेरे प्यारों, पूरे कुरान में आप देखो, हमारे पास जो कुरान है, मा बैन दुफ्फतैन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता, मिनल जिन्नति वन नास पर ख़त्म होता, 63 मरतबा अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की तारीफ़ फरमाई है। कितनी मरतबा? 63 टाइम्स, अल्लाह मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। तो हज़रत इब्राहिम में सबसे बड़ी बात क्या थी कि दुनिया भी उनके कदमों में, आखिरत भी उनके कदमों में, और जन्नत में भी पहुँच गए। क्या चीज़ थी? तो वो था एक अल्लाह। बोलो, किसका यकीन बनाना? एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको मालूम है ना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को जमा किया। बोलो, पूरी कौम को जमा किया, पूरी कौम को जमा किया और कहा, आज मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह कौन है, मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह। तो सारी कौम आ गई रातों रात सन्नाटे में कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब सितारे बताए। क्या बताए? सितारे, जो तारे थे ना आसमान पर, कहा ये अल्लाह, ये अल्लाह, देखो कैसे चमकते, कैसे चमकते, और कोई गिन भी नहीं सकता ये कितने हैं। तो सब ने कहा कि हाँ ये अल्लाह है, लेकिन आपको मालूम है सुबह होने से पहले पहले सितारे, अरे बोलो ना, हज़रत इब्राहिम ने कहा नहीं ये अल्लाह नहीं है, अगर ये अल्लाह होता तो ऐसे डूब थोड़ी जाता, ये डूब गया, मतलब है कि ये अल्लाह नहीं है। चलो, मामला ख़त्म हो गया। कुछ दिन के बाद फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबको बताना है अल्लाह कौन है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज 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 अल्लाह मालूम होगा कौन है। अब सारे के सारे जब जमा हो गए तो आसमान पर 14वीं रात का चांद चमक रहा था, बड़ा चांद चमक रहा था। बस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम के मर्दों को, औरतों को, बच्चों को कहा ये अल्लाह है। बोलो, कौन अल्लाह है? ये अल्लाह। पहले किसको बताया था, अब किसको बताया? चांद को। सबने कहा अच्छा ये अल्लाह है, लेकिन सुबह होने से पहले पूरा मजमा बोलेगा चांद भी, बोलो ना, चांद भी डूब गया। बस चांद डूब गया, ये दो मर्तबा तो ऐसा हो गया जिसको कुरान करीम ने फरमाया, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रा कौकबन قال هذا ربي فلما افل قال لا احب العافلين। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारों को कहा कि ये हमारा रब है, लेकिन तारे डूब गए, का डूबने वाला हमारा अल्लाह।
नहीं हो सकता. फिर क्या बताया, चांद. फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को जमा करके आसमान पर 14वीं रात का बड़ा चांद दिखाया, कहा ये हमारा अल्लाह है, मगर चांद भी डूब गया. हज़रत इब्राहिम ने फरमाया मेरा अल्लाह डूबने वाला. कितने हो गए. फिर एक दिन बिल्कुल दिन दाढ़ है, जैसे दोपहर के 12-11 बजे एक अंदाज़ा हम बोलते हैं, बिल्कुल गर्मी, सख्त गर्मी और सूरज आसमान के ऊपर. बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया, कहा आज क्यों बुला, कहा आज फाइनल अपने अल्लाह को देख ले. कहाँ है, कहा देखो देखो ये सबसे बड़ा है, वो सितारे तो छोटे छोटे थे, वो चांद थोड़ा बड़ा था, ये तो हो सूरज कितना बड़ा है, कितना बड़ा, और इसके कितने फ़ायदे हैं. गर्मी से हमें खेतों में अनाज पक जाता है, हमारे बागों में फल और फ्रूट आ जाते हैं, कितनों की गर्मी में तबीयत सही हो जाती है. तो ये हमारा रब है. और सब पूरी कौम ने कहा ये बड़ा है, ये रब है. लेकिन मगरिब से पहले बोलो सूरज कलर बदलने लगा, बदलता डूब गया. हज़रत इब्राहिम ने कहा ये भी हमारा रब, जो डूब जाए, बोलो जो डूब जाए वो हमारा रब. क्या फरमाया, कुरान में फरमाया فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا, کہا یہ سب سے بڑا سیارہ ہے, یہ ہمارا رب ہوگا. مگر سورج بھی رنگ بدلنے لگا اور ڈوبنے لگا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اللہ کی قسم نہ ستارے ہمارے رب ہے, نہ چاند ہمارا رب ہے, بولو نہ سورج. اب سب قوم تو بیٹھی رہی, سب پسینے میں تر بتر, کب سے سورج کو دیکھ رہے تھے. کہا پھر ابراہیم فائنل بتا دو نا کون ہے, کیونکہ پہلے ستارے بتائے پھر منع, چاند بتائے منع, پھر سورج بتائے منع. حضرت ابراہیم نے فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, میرا رب وہ ہے جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. آج چاند اگر آیا ہے تو اس کا پیدا کرنے والا جو ہے, جو نظر نہیں آتا, وہ ہمارا اللہ ہے. ستاروں کا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے, سورج کا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ. تو کہا کرنا کیا چاہیے, کہا کرنا یہ چاہیے سجدہ کرو تو اسی کے سامنے کرنا چاہیے. فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی, پڑھو سب کو یاد ہوگا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پورا مجمع بولے گا نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, اللہ آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا کون. آج اسی یقین کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون. تو یقین کیسے پیدا ہوگا, کیسے پیدا ہوگا, اس کے لیے ہم کو کچھ چیز پریکٹیکل کرنا پڑے گی. اور ایک بار یقین بن گیا نا, قسم اللہ کی کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون, اللہ. لیکن ہم لوگ یقین بنانا ہی نہیں چاہتے نا میرے پیاروں, یقین. اب ایک مثال کے طور پر, سب سے بڑا یقین اگر ہمارے دل میں پیدا کرے نا, وہ قرآن ہے. کیا ہے, کون پڑھ کے آیا, ہوں گے, ایسا نہیں کہ نہیں پڑھ کے آیا, آپ لوگ ہوں گے, کوئی پڑھ کے آیا ہوگا. باقی اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, 15-15 دن گزر جاتے قرآن پڑھنا تو دور کی بات, کوئی قرآن کو چھوتا تک نہیں ہے. موبائل چھوئے گا, موبائل رات کو اپنے پاس رکھے گا, موبائل کو اوڑھنا بچھونا بنائے گا, مگر یہاں مجمع جو بیٹھا ہے قسم کھا کے بولو نا, قرآن پاک کون پڑھ کے آیا. اور آج تو جمعہ ہے نا, سورہ کہف پڑھنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں میری اتنی فرشتوں سے ملاقات نہیں ہوئی جتنی ملاقات جب سورہ کہف اتر رہی تھی اس وقت میری فرشتوں سے ملاقات ہوئی. اور حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لے, قیامت سے پہلے جو دجال کا فتنہ آئے گا اللہ اس فتنے سے اس کی حفاظت کر لے گا. میرے پیارو یہ قرآن بہت بڑا کلام ہے, پڑھیں گے بولو پڑھیں گے. میں بنانا چاہتا ہوں یقین, کہ یقین کیسے بنے گا, بنائیں گے بولو بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کتنا پیارا کلام ہے, جب مکے میں یہ قرآن اترا, بولو مکے میں, اب سن رہے ہو نا سب لوگ,
मक्के में जब कुरान उतरा तो मक्के में उस वक्त ऐसा नहीं था कि एजुकेटेड लोग नहीं थे, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े अरबी जानने वाले, फसाहत वाले, बलागत वाले, तलाकत वाले, सलासत वाले, इतने लोग थे। तो जब कुरान पाक उतरा तो जो बड़े बड़े थे वो कहने लगे ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोचते हैं और सुबह में बना देते हैं, तो चलो चैलेंज किया जाए। किसको चैलेंज किया जाए? कुरान को। तो आए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हमको चैलेंज करना है कुरान को। तो हमारे नबी ने कहा ये तो अल्लाह का कलाम है, आपको जैसा करना हो करो। तो इन्होंने जितने शुआरा, जितने उदबा, जितने अरबी के जानने वाले सब जमा हुए और कहा अपना बेहतरीन कलाम लिखो और काबे पर लटका दो, और काबे पर लटका दो। चलो एक ने आकर लिखा और लटकाया, सब सारे लोगों ने देखा हो ये तो बहुत अच्छा कलाम है, बहुत अच्छा। लेकिन दूसरा शायर आता है, जब वो अपना कलाम रखता है तो सब कहते हैं ना पहला वाला हटा दो, ये बराबर है, कौन सा वाला बराबर है, दूसरा वाला। फिर कोई तीसरा आकर लिखता है या चौथा आकर रखता है या पांचवा आकर रखता है, तो किसी का हटाया जाता है, किसी का रखा जाता है, किसी का हटाया जाता है, किसी का रखा जाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहते हैं अल्लाह ए अल्लाह, अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह अल्लाह मुझे तो तेरा कलाम पेश करना है। अल्लाह ने फरमाया एक सूरत उतारता हूँ, उसको काबे के पर्दे के ऊपर या काबे के दीवार पर लटका देना। कौन सी सूरत? मेरे साथ में पढ़ो, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानियाका हुवल अबतर। बस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि काबे की दीवार पर इसको लटका दो। बस जब इसको लटकाया जो भी आने वाला आता कहता सब हटा दो, इसी को रहने दो। उस वक्त मक्के का जो सबसे बड़ा शायर था वो इतना बड़ा शायर था कि लोग कहते थे कि जब बोले ना तो उसको लिखो, और अगर लिखने के लिए रोशनाई नहीं मिले तो खंजर से लिखो और अपने कोई रग को काट के वो खून भर के लिखो। मगर उस वक्त मक्के का बहुत बड़ा शायर था जिसका नाम था लबीद। बोलो क्या नाम था? यानी अरबी के अंदर पूरा घुसा हुआ था। तो सब ने कहा कि उस तक ये खबर पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबके अशार निकल गए, सबका कलाम ख़त्म हो गया। अब तो सिर्फ इन्ना आता इन्ना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, यही कलाम आ रहा। खैर किसी तरीके से लबीद को बहुत दावत देकर काबे के पास बुलाया गया। लबीद आया, लबीद ने आकर देखा, पूरा कलाम देखा, हालांकि ईमान लाया हुआ नहीं था। उसने देखा इन्ना आता इन्ना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। उसने क्या कहा मालूम? लाओ मेरा कलम लाओ। उस जमाने में जैसे भी सब ने खुशी मनाई कि अब ये ऐसा लिखेगा कि मोहम्मद को जवाब मिल जाएगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने क्या लिखा सुनना? उसने क्या लिखा? जो हमारे नबी ने लिखा था ना वही लिखा, उस पर एक चीज को बढ़ा दिया। क्या लिखा पढ़ो, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। और उसके बाद लिखता है वल्लाहि कलामुल बशर, यानी वो लिखता है कि ये जो मोहम्मद ने लिखा है मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं ये इंसान का कलाम नहीं है, ये पैदा करने वाले अल्लाह का कलाम है। मेरे प्यारों सब मान गए कि कुरान के बारे में अब कुछ नहीं कहना, क्योंकि लबीद ने कह दिया किसका कलाम है, और वही कलाम हमारे पास तो है ना। और मालूम है कुरान कितनी बड़ी किताब है, आपको मालूम है? फिर अल्लाह ये तो हो गया फिर अल्लाह ने एक ओपन चैलेंज भेजा, आपको मालूम है? अल्लाह ने क्या फरमाया, मक्का वालों तुम अकेले मिलके ये सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें काम करो सब इंसान और जिन्नात और तुम्हारे जितने शैतान हैं सब जमा हो जाओ, और जैसा कुरान मैंने मोहम्मद पर उतार रहा हूँ वैसा कुरान तुम भी लेकर आओ। लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि सब जमा हो जाओ, सब पूरी दुनिया के इंसानों को जमा करो, पूरी दुनिया के जिन्नातों को जमा करो, और जो कुरान मैं उतार रहा हूँ वो कुरान कोई उतार के बताए। अल्लाह ने ओपन चैलेंज फरमाया उल इन जतमातिल सुअल जिन अला अयातु बिमिसली हादल कुरान ला यातून बिमिसली वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात लाओ, जो कुरान मैं लाता हूं सब मिलके लेकर आओ। बताओ कोई लाया? अरे आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कोई लाया? तो अल्लाह ने मामले को थोड़ा कम कर दिया। अल्लाह ने कहा नहीं ला सकते कुरान, साहिजारी बात है, मक्का वालों ने कहा होगा नहीं ला। अल्लाह ने कहा छोड़ दो, 10 सूरत लेकर आओ। पूरा कुरान नहीं भाई, पूरा कुरान तो 6666 आयतें हैं,
इतना बड़ा मत लाओ, 10 छोटी छोटी सूरत लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया कुल फातू बिआशरी सुवरी मिसली मुफ्तरयात। अल्लाह ने फरमाया जाओ, पूरा कुरान नहीं ला सकते, छोटी छोटी 10 सूरत तो लेकर आओ। बताओ अरब ला सके 10 छोटी सूरत? तो अल्लाह ने और मामले को नीचे कर दिया, कहा रहने दो, एक सूरत लेकर आओ। क्या लेकर आओ? एक सूरत लेकर आओ, और वो भी बड़ी मत लाना, बड़ी मत लाना, छोटी सी सूरत लेकर आओ। अल्लाह ने क्या फरमाया, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ। एक छोटी सी सूरत, फातू भी सूरत इनके नीचे तनवीन है, और तनवीन के माने आते हैं तकलील, यानी एक छोटी सी सूरत तो लेकर आओ। मेरे प्यारो, अरब सब जमा होते थे, न पूरा कुरान लाए, न 10 सूरतें लाए, न एक सूरत लाए। तो आखिर में अल्लाह ने और मामला कम कर लिया। अल्लाह ने कहा चलो एक लाइन तो लेकर आओ, एक स्टेटमेंट तो दे दो भाई, जैसा इन्ना आते ना कल कौसर एक स्टेटमेंट है, तुम एक स्टेटमेंट तो दे दो। मेरे प्यारो, इन्ना आते ना कल कौसर के बाद कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे सका। अल्लाह ने फरमाया फलियातू बिहदीथिन मिस्ली इन कानू सादिकीन। अल्लाह ने कहा अगर सच्चे हो तो एक लाइन तो लेकर आओ। मेरे प्यारो, सारे मक्के ने अपने जबान और हाथों को जोड़ कर कहा अल्लाह की कसम, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये लोगों का कलाम, और वही कलाम हमारे घर में भी है ना, पढ़ के आते हैं। कितना पढ़ के आए, देख क्या है। अच्छा आज बताओ, आज जुमा का दिन है, आज फजर के वक्त से लेकर अब तक मोबाइल का इस्तेमाल हुआ? अरे हाँ या ना, मैं कोई तुम्हारी शादी नहीं कबूल करवाते हैं करके मुंह लटका के देख रहे हो। हाँ या ना, हुआ कि नहीं हुआ? और कुरान का क्यों? मोबाइल तो ये मखलूक का है, कुरान अल्लाह का है। मेरे प्यारो, कसम अल्लाह की क्या कहूँ। मेरे प्यारो, हमारे नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, हम क्यों नहीं करते उनसे मोहब्बत, क्यों नहीं करते? जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, आ गए। अभी इन्हीं लोगों को पूछो, किसी की शादी में जाना हो कैसा मैचिंग कपड़ा पहन के जाते हो? अगर ऊपर ब्राउन है तो फुल ब्राउन, ऊपर ब्लैक है तो मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्राउन, मैन इन ब्लू। आहा हा, कैसी तैयारी करके जाता है आदमी, और बसों में जाता है और गाने बजते हैं, और जुमा के दिन आना है, नहाया धोया आ गया, मिसवाक कौन करेगा? टोपी नहीं मिली ना, रुमाल। और यहाँ मस्जिद में तो बहुत बड़ा एहसान है, वो प्लास्टिक के टोपे रखे होते, और ये तो माशाल्लाह टोपी वाला मस्जिद है। क्या अल्लाह का करम। मेरे प्यारो, एक बात बताता हूँ, फिर मैं अपनी एक जो दूसरी बात पर आना है उस पर आके बात ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। वक्त पे ख़त्म करना ना बेटा, हुई तेरी शादी? हुई? ये एक अल्लाह का बंदा शोएब नाम है ना, ये क्यों शादी नहीं करता भाई? कर लेना भाई, निकाह पढ़ लेना, काय को पढ़े, देखे सब दुखी बैठे हैं, तू भी बन जाना दुखी भाई, हमें भी वैसा ही हो भाई। लेकिन एक बात बताता हूँ मेरे प्यारो, सही में बोलो, आज से इरादा करते हो ना, बोलो ना, एक यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम? तेरे घर में नमक ख़त्म हो जाए, नमक नमक ख़त्म हो जाए। अब जारी बात है, हमारे घर में नमक ख़त्म हो जाए भाई, 5 रुपया 10 रुपये का बाहर नमक मिल जाएगा, और चलो बाहर नहीं गया, पड़ोस में गया, पड़ोस भी एक प्याला भर के नमक दे देगा। हमारे नबी फरमाते नहीं, छोटी चीज़ में नमक, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाए तो एक बार मेरे को पुकार लेना, नमक आएगा नहीं आएगा मगर जन्नत तेरे पास ज़रूर आ जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया रास्ते में चलता हो चप्पल टूट जाए भाई, चप्पल टूट जाए, या जूते का लेस निकल जाए, या चप्पल फट जाए, अरे कोई मोची मिल जाए, अरे मोची नहीं मिलेगा तो कोई दुकान में, अरे दुकान न मिले तो मेरे घर में पहले से 2-3 जोड़ चप्पल के रखे हुए। अल्लाह फरमाते वो सब बाद में, पहले एक बार मुझे कह दे कि अल्लाह मेरा जूता टूट गया, अल्लाह उसके बनाने का इंतजाम करवा दे। अल्लाह फरमाते जूता तो बाद में तेरे कदम में आएगा, लेकिन उससे पहले जन्नत तेरे कदमों में आ जाएगी। तो किससे मांगना चाहिए, बोलो ना अल्लाह। और हमारे नबी क्या मालूम, एक मरतबा क्या हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी की रिवायत और कुछ रिवायतों को मैं मिला रहा हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक मरतबा मुझे, हाँ मुझे सारे नबी बताए गए, बोलो सुभान अल्लाह, और हर नबी की उम्मत मुझे बताई गई। तो हमारे नबी फरमाते हैं मुझे ख्वाब में ऐसे बताया गया, तो मैंने हर नबी को देखा और उनके साथ हर उम्मत को देखा। और एक बात याद रखना, हमारे नबी का ख्वाब
सच्चा, कितना सच्चा, का आयतिम मिनल कुरान, जैसे कुरान की आयत सच्ची है वैसे नबी का ख्वाब भी अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा होता। हमारे नबी साथ हम फरमाते मैंने ख्वाब में देखा, मुझे उम्मत बताई गई, नबी बताए गए। हमारे नबी फरमाते किसी नबी के साथ 200 उम्मती, किसी के साथ 300 उम्मती, किसी के साथ 400 उम्मती, किसी के साथ 500 उम्मती। अरे हमारे नबी ने फरमाया किसी के साथ 2 उम्मती, और कुछ नबी तो मैंने ऐसे देखे जिनके साथ कोई भी नहीं, मतलब किसी ने उनकी दावत को कबूल किया ही नहीं, क्योंकि 1,24,000 पैगंबर कम ज़्यादा। हमारे नबी फरमाते सब बताएगा, अचानक मुझे एक उम्मत बताई गई, इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत। हमारे नबी फरमाते मैंने ख्वाब में कहा अल्लाह ये मेरी उम्मत ना, ये मेरी उम्मत। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये मेरे पैगंबर हज़रत मूसा की उम्मत है, ये मेरे पैगंबर हज़रत। तो हमारे नबी रोए कहा अल्लाह फिर मेरी उम्मत कहाँ है, अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ने कहा दूसरी तरफ देखो, हमारे नबी फरमाते उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान, ज़मीन से लेकर आसमान तक एक उंगली रखने की जगह नहीं, इतने उम्मती पड़े हो गए, पूरा उम्मतियों का एक ढेर, एक उम्मतियों का काफला, ज़मीन से आसमान उफुक भी भरा हुआ। कहा अल्लाह ने कहा ये आपकी उम्मत है, बोलो ये। फिर अल्लाह ने कहा फरमाया आपके सहाबा वो तो सब जन्नत में, लेकिन ये जो आपकी उम्मत नज़र आती ना, इसमें भी आगे जो 70,000 है, देखो 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 आगे आगे देखो कितने 70,000 है, बड़ी उम्मत है, लेकिन आगे जो 70,000 है, अल्लाह ने फरमाया ये सब बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होने वाले। कितने? कोई भी नबी खुश हो जाए कि हम तो है, सहाबा भी है, और ये जो बाद वाले उसमें भी 70,000 बगैर। ए मेरे प्यारो, हमारे नबी घर में गए और बहुत रोए। सहाबा फरमाते 3 दिन तक हमारे नबी ने खाना नहीं खाया। आज हमको अभी जुमा बाद खाना नहीं मिले, कितना ऑब्जेक्शन खड़ा हो जाए। हमारे नबी ने बोलो कितने दिन तक खाना, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, 3 दिन तक पानी नहीं पिया। सहाबा फरमाते यूँ कमरे से आते, नमाज पढ़ाते, चले जाते, हम में से किसी को सलाम भी नहीं करते, हम में से किसी से कलाम भी नहीं करते। सहाबा फरमाते हम बाहर रोते, नबी कमरे में रोते, हम बाहर रोते, नबी कमरे में रोते। कहा तीसरे दिन जब नबी बाहर आए तो हल्की सी मुस्कुराहट आई, बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा फरमाते हमने हिम्मत करके पूछा कि अल्लाह के रसूल 3 दिन से आप खाना नहीं खाते, हमसे बात नहीं करते, हमारे सलाम नहीं करते, आखिर मामला क्या? हमारे नबी ने फरमाया इतनी बड़ी उम्मत मेरी, इतनी बड़ी उम्मत, और अल्लाह ने सिर्फ 70,000 के बारे में कहा कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। मैं 3 दिन तक रोता रहा, अल्लाह बढ़ा देना, अल्लाह बढ़ा देना, अल्लाह अल्लाह ने यह बढ़ाया कि वो 70,000 है ना, समझ लो हर एक के साथ हमने और 70,000 बढ़ा दिया है, हर एक के साथ। यानी कैलकुलेटर हैरान हो जाए कि हर एक के साथ हमने 70,000 और बढ़ा दिया। हमारे नबी फरमाते आज सुबह में खबर मिली, लेकिन फिर भी मैं रोया नहीं अल्लाह, फिर भी मेरा कम है अल्लाह, ये मामला कम है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब अब फिक्र की ज़रूरत नहीं, तू कयामत में जब तक राज़ी नहीं होगा वहाँ तक हम मगफिरत करते चले जाएंगे। और वो आयत करीमा आ गई, पढ़ो सबको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुन लक मिनल ऊला وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى। अल्लाह ने कह दिया मेरे प्यारे नबी मैं अपनी रजामंदी की बात नहीं करता, फतरज़ा तू राजी होगा वहां तक मैं मगफिरत के फैसले करता जाऊंगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे हमसे, उसके लिए भी सुन लो एक बात, नहीं फैसला कर लेवे ना राजी होंगे नहीं होंगे। आपको मालूम है हमारे नबी जब हम कयामत में उठेंगे, बोलो इंशाल्लाह, हमारे नबी हौज़े कौसर पर होंगे। अरे सुभान अल्लाह, बोलो ना इन्ना आता ही ना कल हमारे, और हौज़े कौसर कैसा होगा मालूम है? कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई मालूम नहीं, कहाँ से कहाँ तक होगा, लेकिन उसका पानी कैसा होगा? अब यद मिनल लबन, दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब रद मिनल सलज, बर्फ से ज़्यादा ठंडा होगा, और अहला मिनल असल, और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। कैसा मिलेगा भाई, यह दुनिया में कोई मिल सकता? तो बोल के तो भाई ने अय्यूब ने इतनी सी चाय पिलाई। मैं आया तो मैंने इसको कहा कि भाई ये अब इसकी तो बीवी है नहीं, बेचारा बाढ़ से चाय लेकर आ गया।
लेकिन हौज़े कौसर पर इंशाल्लाह हम जमा होंगे, बोलो ना इंशाल्लाह। और कैसा मिलेगा पानी, कैसा मिलेगा बोलो ना, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा। और हमारे नबी फरमाते मन शरीबा मिनहु क़तरा लम यज़मा अबदा, हमारे नबी फरमाते मेरे अल्लाह की कसम जो हौज़े कौसर पर आया एक घूट उसने मेरे हौज़ का पानी पी लिया, अब कभी भी उसको प्यास लगेगी नहीं। जन्नत में जो पिएगा शौक के मारे पिएगा, प्यास के मारे में कोई नहीं पिएगा। लेकिन आपको मालूम है जब सब आते होंगे ना तो फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते आएंगे और कुछ लोगों को धक्का मारेंगे, वापस जाओ, चलो हटो हटो यहाँ से हटो। तो हमारे नबी की नज़र पड़ेगी कि मेरा उम्मती उसको धक्का मारा जाता है। हमारे नबी बड़े गुस्से से फरिश्तों को कहेंगे क्या है, मेरा उम्मती है, मेरे होश पे आना चाहता है, आने दो ना मेरे होश पे आने दो, तुम क्यों रोकते हो। वो फरिश्ते कहेंगे इन्नक ला तदरी मा अहदसु बादक, आपको नहीं मालूम इन्होंने क्या क्या गुनाह किए हैं, कैसे कैसे आपके दिल को तोड़ा है, कितनी फजर की नमाजों को बर्बाद कर दिया है। हमारे नबी जब ये सुनेंगे कि इन्होंने नमाज को भी बर्बाद कर दिया, हमारे नबी की ज़ुबान से निकलेगा फसुह कन ले असहाब साइर, दूर करो मैं समझ गया अल्लाह ने इनके बारे में जहन्नम का फैसला कर लिया है। ए मेरे प्यारो आज फजर पढ़ी, वो पढ़ी माशाल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत सारे आए हैं। जुमा अब कब, जुमा फिर ईद की नमाज, फिर बकरा को लिटाने का, कुर्बानी वाजिब है, बोलो कुर्बानी, कितना बड़ा अहतमाम होता है। अभी कुछ दिन के बाद देखना बकरा मंडी जोर पे पड़ेगी, अरे आएगी कि नहीं, और क्या करता है मालूम, ऐसा जाता है बकरा मंडी में जैसा ये बकरे का व्यापारी हो, यूँ बकरे के ऊपर यूँ हाथ रखेगा यूँ, और सामने वाले का ना आप बराबर न थी, क्यों कैसे बरा, और कितने लोग तो यूँ मुँह खोलेंगे दाँत देख, नहीं बराबर नहीं, क्यों तेरे को कौन बोला, तू कपड़ा बेचने वाला ज़मीन का कारोबार करने, आज बकरे का कारोबार आ गया तेरे हाथ में, अरे बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर भी मैं कहता हूँ चलो कुर्बानी तो करना है, बोलो करना है कि नहीं। अल्लाह ने कहा फसल्ली लिरब्बिक वनहर, कुर्बानी करो, कुर्बानी करना बोलो वाजिब, और क्या कुर्बानी, और आकर कहेगा भाई ईद के दिन सबसे पहला बकरा गिरे मेरी बिल्डिंग में तो मेरा बकरा ये 10 साल का रिकॉर्ड है, आहा और फजर नहीं पड़ता तेरा बाप पड़ेगा, वो कौन सा रिकॉर्ड है। कुर्बानी वाजिब है, फजर की नमाज, तो आज से कौन कौन तैयार है, देखो दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में, एक अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करने के लिए कुरान और नमाज, बोलो कुरान और बोलो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आया हूँ। आपको मालूम है हमारे सूरत में एक उमरवाड़ा इलाका है, उमरवाड़ा इलाका जो हमारे सूरत के स्टेटस से काफ़ी नीचे वाला इलाका है। हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे घर और हमारी बिल्डिंग और हमारा बिस्तर और हमारे घर में रेफ्रिजरेटर और हमारे घर में एयर कंडीशन और हमारे घर में पंखे, आप उस तरफ चले जाओगे, गए होंगे आप लोग भी, गए होंगे मैं भी गया हूँ, वो इतना अच्छा और इतना मजबूत एरिया माल के एतबार से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदार यहाँ इस वक्त मौजूद है, एक ज़िम्मेदार मेरे सामने यहाँ बैठे, एक अब्दुल राजिक में ज़िम्मेदार, बहुत सारे ज़िम्मेदार यहाँ पर आए और एक बहुत बड़ी तमन्ना लेकर आए, बड़ी मेहनत से इन्होंने मस्जिद है ना उमरवाड़ा मस्जिद उसके करीब में एक ज़मीन खरीद ली, बोलो सुभानअल्लाह। वरना सूरत में ज़मीन खरीदना बड़े बड़े के लोहे के चने चबाने पड़ते, इन्होंने माशाल्लाह में, और इनका प्रोग्राम क्या है कि अब जो बिल्डिंग बनी है, क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों को तो इल्म मिल जाता है, औरतों को इल्म, औरतें वही ब्यूटी पार्लर में, वही बालों को कलर कराना, वही नेल पॉलिश करना, वही शादियों में जाना, वही गीबत करना, वही चुगली करना, वही हिजाब नहीं करना, तो इन लोगों ने मेहनत करके एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं जिसमें औरतों की शुरू से लेकर उसके हाफिज़ा होने तक की तालीम है, बोलो सुभान अल्लाह। और सिर्फ ये नहीं कि दीनी तालीम है, वहाँ सीविंग मशीन का पूरा एक सेक्शन लगाया जाएगा, कंप्यूटर का सेक्शन लगाया जाएगा, दीन की तालीम का सेक्शन लगाया जाएगा, फिर अगर मर्दों में बयान होगा तो वहाँ पूरे एहतमाम और हिजाब के साथ औरतों में भी बयान होगा, और हर हफ्तावारी जो प्रोग्राम होगा, तो इतना अच्छा बड़ा प्रोग्राम इनका है कि कई हजार औरतें जमा होगी, और वो इलाके में इतने लोग हैं कि फिर भी ये हॉल हमें कम पड़ेगा। तो मेरे प्यारो मैं चाहता हूं 5 मिनट में ले रहा हूं बेटा, यहां के जिम्मेदारों से माफी, 5 मिनट ले रहा हूं कि बाहर तो लोग रुमाल लेकर खड़े होंगे, लेकिन मेरे प्यारो एक बात बताऊं मैं आपको, एक मरतबा एक सहाबी हजरत तमीम, बोलो कौन, हजरत तमीम, वो अपने घोड़े के जो दाना देते ना दाना, उसमें जो जौ लगा होता है ना जौ, वो जौ को साफ़ कर रहे,
हज़रत तमीम बड़े आदमी है, साहबी है, अपने घोड़े का खाना साफ़ कर रहे हैं, तो कोई आया और किसी ने आकर कहा कि आप का कोई घोड़े के पीछे लगे हो, या आपकी बीवी, या आपके बच्चे, या आपकी बहू, ये सब बैठे हैं ना, इनको कहो ना कि घोड़े का अनाज साफ़ कर देवे। तो हज़रत तमीम ने फरमाया, नहीं, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया था, अगर अपना घोड़ा हो और उसको जो जौ के दाने देने हो उसको अगर कोई साफ़ करता है, हर दाने पर अल्लाह उसको एक नेकी अता कर देता है। तो अगर एक घोड़े की खुराक में हमको नेकी मिलती है, तो यहाँ तो मेरे दोस्तों हमारी उम्मत की बेटियाँ हैं, हमारी उम्मत की माएँ हैं, हमारी उम्मत की बहनें हैं। और आपने देखा होगा हज़ारों बड़ों मर्दों के मदरसे कायम हैं, औरतों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता, और औरत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारी नस्ल बनेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि बच्चे की जो परवरिश करने वाली है वो कौन है, माँ है। तो चलो मेरे प्यारों, अगर कोई खड़े होकर कुछ रकम लिखा देवे, भले 500 1000 जो आपके दिल में आवे भाई लिखाओ। देखो माशाल्लाह हमारे